अस्सलाम वालेकुम। सो वेलकम टू माय चैनल एंड टुडे आई विल शेयर एक्सपीरियंस ऑफ एन एडिटू, और जो कि मुझे 19 मार्च को मेरा हुआ, और उसी के आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कौन से क्वेश्चन मुझे फेस हुए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव फाइव सेक्शंस, जिसमें से पहला मैथमेटिक्स का जो कि 80 मार्क्स का होता है, एंड सेकेंड वन इज़ फिजिक्स जो कि 60 मार्क्स का है, एंड थर्ड वन इज़ कंप्यूटर जो कि 30 मार्क्स, और फोर्थ वन आता है हमारे पास इंग्लिश का जो कि 20 मार्क्स का है, एंड द फिफ्थ लास्ट वन इज़ IQ जो कि हमारे पास 10 मार्क्स का जो है हमारे पेपर में होता है। सो ये पांच सेक्शंस हैं जो हमारे पेपर्स में आते हैं टोटल 200 मार्क्स के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैथमेटिक्स को डिस्कस कर लेते हैं जो कि इस टेस्ट का एक मेजर पोर्शन है, 80 मार्क्स का है। सो इसमें से कुछ MCQs हैं उनको देखते हैं जो मेरे टेस्ट में आए और जो मुझे नज़र आए इसमें, जो मुझे याद रहे तो उसको हम देखते हैं। सो मैं आपको यहाँ पर सीक्वेंस से दिखाऊंगा। सो पहला MCQ यहाँ पर आ गया है, एयोटा की पावर 27 प्लस एयोटा की पावर 20 इक्वल टू दिस। सो इसका आंसर आपने देना है। सो टू द नेक्स्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, होल ब्रैकेट पावर 4 एयोटा अवर अर्न प्लस एयोटा इक्वल टू दिस। सो इसका आंसर आपने देना था। एंड थर्ड क्वेश्चन इज जेड की, जेड इज इक्वल टू -4 -3 एयोटा वेयर जेड बार इज इक्वल टू दिस। सो जितने भी क्वेश्चंस हैं ये वो क्वेश्चंस हैं जो मुझे फेस हुए या इस टाइप के क्वेश्चन थे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो इस टाइप के भी थे कुछ एक आधे, और जिसमें जेड और कुछ एबिलियन ग्रुप के रिलेटेड भी थे उसमें, एक आई थिंक था एबिलियन ग्रुप के रिलेटेड एक क्वेश्चन। सो इसके बाद हमारे पास आ जाता है एक मैट्रिसेस का पोर्शन, जिसमें हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी थे जिनको हमने एक्सपेंड करके और फिर उसका हमने आंसर देना था। एंड उसके बाद लीनियर इक्वेशंस थी जिसमें हमने बताना था कि ये होमोजीनियस है, ट्राइवियल है, नॉन इक्वालियन वगैरह वगैरह, इसमें चीज़ें थी इसमें इस टाइप की कुछ थी। और उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज था जिसमें हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए थे और जिसमें हमने फाइंड करनी थी टर्म्स, जिस तरह से ये है 2 AMs बिटवीन 3/2 एंड 27/14। तो उस टाइप के कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें हमें दरमियान की कुछ टर्म्स फाइंड करनी थी या दरमियान की टर्म्स के सम फाइंड करना था, और इसमें nth टर्म हमने फाइंड करनी है, ये कुछ टर्म्स हैं, और इसकी nth टर्म जनरल टर्म फाइंड करनी थी, और ये हार्मोनिक मीन्स है इसका फाइंड करना है दो टर्म्स के दरमियान का। सो इसके बाद टॉपिक आता है हमारा पर रोटेशन एंड प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड, इसके रिलेटेड भी एक क्वेश्चन था मेरे टेस्ट में। सो टू द नेक्स्ट, उसके बाद हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है, इसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे लेकिन जो मुझे याद है जिस टाइप के क्वेश्चन थे उसमें एक टाइप का क्वेश्चन था 10, और उसमें एंगल दिया हुआ था 2 1 2 8, तो उसको आपने कन्वर्ट करना था पाई में। सो ये ईजी था ये वाला। तो उसके बाद हमारे पास जो पार्ट वन में थी हमारी ट्रिग्नोमेट्री की, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो उससे रिलेटेड हमारे से कुछ क्वेश्चन थे उसमें पूछे गए, साइन ला था, टेंजेंट ला या कॉस ला को यूज़ करके आपने साइड फाइंड करनी है या एंगल फाइंड करना है, तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन भी थे उसमें। सो इसके बाद पार्ट टू आ जाता है हमारी सेकेंड ईयर, जो कि इसमें से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन थे जो कि मेजर, काफ़ी सारे क्वेश्चन थे सेकेंड ईयर में से जो पूछे गए। सो पहला क्वेश्चन इसमें रिलेशन टाइप का क्वेश्चन था, FFG या GOF या FOF फाइंड करना है, हमारे पास दो फंक्शन थे और हमने इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। सो इसके बाद हमारे पास जो है इसमें हमारे पास रिलेशन थे और जिसमें, और इसके बाद हमारे पास डोमेन एंड रेंज का क्वेश्चन था जिसमें हमने हमें दो फंक्शन दे दिए गए थे और हमने उसकी डोमेन फाइंड करनी है या रेंज फाइंड करनी है, तो कुछ इस टाइप का भी इसमें क्वेश्चन थे जो NIT में आए थे। और इसके अलावा हम मेरे पास लिमिट्स के क्वेश्चन थे सिंपल, और मैंने उसको फाइंड करना था, और कुछ प्रूफ थे जो कि डायरेक्टली आपकी बुक से लिए गए थे और बुक से ही वो प्रूफ थे, वो सिंपल आपको MCQs में दिए गए थे बुक से प्रूफ। सो इसके बाद हमारे पास जो फोर्थ क्वेश्चन था वो डेरिवेटिव के रिलेटेड था, और जिसमें फंक्शन था और उसका सिंपल आपने डेरिवेटिव फाइंड करना था या पार्शियल फ्रैक्शन दी गई थी तो उसकी आपने जो है प्रॉपर फॉर्म में था। और फिफ्थ क्वेश्चन उसमें हमारे पास स्लोप एंड ग्रेडियंट के रिलेटेड था जो कि चैप्टर 4 में से था, आपको उसमें इक्वेशन दे दी गई थी, और जैसा ये है, टेन इज़ π/2 देन स्लोप इज़ दिस, और इफ़ y=2x देन स्लोप इज़ दिस, और दी शो डैट द लाइन्स आर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। सो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस थे,
इसके बाद सिक्स चैप्टर में से इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज़ या हाइपरबोला पूछ सकता है वो, सर्कल पूछ सकता है वो, तो इस टाइप के भी थे क्वेश्चन। एंड इसके अलावा एसेंट्रिसिटी ऑफ अर्थ वो आपसे किसी भी टाइप की पूछ सकता है, एलिप्स पूछ सकता है, पैराबोला या हाइपरबोला, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ज़रूर एक क्वेश्चन देता है वो हमेशा। और सेवन चैप्टर जो कि वेक्टर का है, इसमें से एक उसने मुझे एक दी फॉर्म और इसको सिंप्लीफाई करना है मैंने, जो कि आसान थी। और इसके बाद ये रिज़ल्ट था, ये इसको वेक्टर्स को सिंपल आपने सिंप्लीफाई करना है, सो ये भी आसान था। सो ये आई थिंक दो से एक या दो आए थे। सो ये था मैथ का पोर्शन। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फिज़िक्स के पार्ट को डिटेल से रिव्यू करेंगे, देखेंगे, और क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, सो इस वजह से इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा, आप उसको ज़रूर देखिएगा, फिज़िक्स का पार्ट, जिसमें मैं फिज़िक्स के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करूँगा कि कौन कौन से एमसीक्यूज़ इसमें आए थे मेरे एनटी में। सो इसके बाद सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। सो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।